अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, जैसा कि हम लोग आज नहीं हैं। छोटे पे तो आज मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। आज हमारी आंटी नहीं आई थी, मेड जो आंटी है ना, तो आज सारा काम छोटी को करना पड़ा। सारा तो नहीं, खैर हाँ, मिलजुल के सारा काम किया था। ये होता है कि इतनी मौत पड़ती है ना कि बंदे का इरादा नहीं होता। ये होता है कि नाश्ता करेंगे और आराम से मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, और जब आंटी आती नहीं है इतना वेट करते हैं, जैसे कोई बेल बजती है लगता है कि आंटी आ गई, लेकिन नहीं आती। आप लोग यकीन मानो, जब अक्सर वो लेट हो जाती हैं और जब वो आती है ना, तो हम कहते हैं शुक्र अल्लाह पाक तुम्हारा। अब आदत हो गई है ना तो आंटी की, तो इसलिए हमें यही होता है कि आंटी छुट्टी बिल्कुल ना करें। यकीन मानो अब नहीं इतना काम करने को दिल करता। हाँ, फिर हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं कि कौन पहले उठे और कौन काम की शुरुआत करे। तो फिर इस तरह हमने उठ के सबने मिलजुल के काम कर लिया। तो और क्या, तो आज पता क्या हुआ, आज दादी बैठी हुई थी हमारे पास। दादी ने अपनी हिंदुस्तान की बातें करके बहुत रो रही थी। हाँ जी, तो काफ़ी इमोशनल भी हो गए कि जब हम हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे तो कितने हम पे जुल्म हुए थे और क्या क्या रास्ते में हुआ था। कुछ जो अपने थे उनको उधर छोड़ आए थे, कुछ रास्ते में बिछड़ गए थे। तो वो सारा बता रही थी और रो रही थी, और साथ में ना मैंने मतलब पूछा बेटी का, उनकी कोई बेटी नहीं ना, तो हम लोग ही हैं, हमें मतलब बेटियां मानती हैं। जब भी हम कोई ऐसी बात करें तो दादी इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। तारा मार मार के ना मेरा भुजिया बना देना। किन्ने दादी आ कौन आ? हाँ। आ कौन आ? है मेरी धी आ। कित्थों लियांदी? दादी ताड़ी ते कोई धी है ही नहीं। हैं? हाँ। ताड़ी ते कोई धी है ही नहीं। धी? हम्म। तो धी मैं पके खाने आ ले ला। रोई दा नहीं हुंदा, असीं भी धीआं वां। ये आई है साथ वालों के घर से, कड़ी आई है, बहुत अच्छी कड़ी बनाती हैं ये भाभी, चेक करती हूँ मैं। बहुत ही मज़े की कड़ी बनाई है, यम्मी। जब भी बनाती है ना हमारे घर लाजमी भेजती हैं। तुम बाहर ही निकल जाओ, उधर चले जाओ, सड़क पे चल जाओ। मैं चली जाऊँगी, ये देखो चली जाऊँगी। कितनी फाइनली बारिश हो ही गई है। नहीं बंदे का कभी नहीं भी दिल कर रहा होता चाय बनाने को, चाय बना लो। नहीं कर रहा होता, और तुम करती ही क्या हो? जी तो मैं पीनी नहीं थी, मैं बनाऊं क्यों? बस इंसानियत के नाते सिर्फ यही कि मैंने बिस्कुट डुबोने में पैर मारी जाए, बस यही गुनाह है तुम्हारे पैदा होने का। सिर्फ इसकी चाय में से मैंने बिस्कुट डुबोने होते हैं और मुझ पे सारा डाल दी थी चाय बनाने। सारे खानदान की चाय, सारे इसका जो बिस्किट होता है वो मेरी चाय चूस लेता है। बन गई है चाय, उठा लो। चाय बनाने का गुस्सा नहीं, गुस्सा ये जो कहती है ना दो फीके कप निकाल लो, ये दो फीके कप निकाले हैं, फिर इसमें मैंने चीनी डाली है। फीके कप निकालना बहुत सकते हैं। और क्या, बंदा एक बार में बना ले। ये उठा के ले जाओ चाय, ये लोग चाय पियेंगी, और ये अम्मी के फीके चाय में ना मैंने ये डालना है, और तुम डालो जो डालना है, मैं दूध के साथ और ये खाऊंगी। मैं एक घूंट पी लेती हूँ, वैसे मीठी हो जाएगी। सही नहीं है? चलो खड़खड़ बंद करो, इसी वजह से मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ। छोटे गेस्ट आ गए हैं अचानक से, स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनके लिए फिर जल्दी से हम लोगों ने खाना रख लिया। यहाँ पर ये मटन है, यहाँ ये मटन कढ़ाई बन रही है। यहाँ पर पहले उनको कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी, फिर हमने सोचा इतनी दूर से आए हैं तो चलो पहले कुछ टी टाइम में खिला दें, तो फिर बाद में खाना खिलाएंगे, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से चाय बन रही है। और यहाँ पर सारा सामान काट के रखा हुआ है, जलफ्रेजी शायद बनेगी, मटन का सालन बनेगा, और यहाँ पर ये जलफ्रेजी का चिकन निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर स्टीम रखा हुआ निकाल के। और साथ ही ये यहाँ पर बिस्किट निकाल रही है, मुझे वो भी साथ में पकड़ा दो।
ये लो। जब कोई अचानक से आ जाता है फिर चूल्हों की कमी हो जाती है, तो फिर साथ में हम ये छोटा चूल्हा भी लगा लेते हैं। इसने चुप करो तुम, यहाँ पर चिकन उबलने के लिए रखा हुआ है, बदतमीज। चलो 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 चलो, चलो, चलो। जल्दी से वो कोई बर्तन नहीं निकाल के ला रहा, चप्पू नहीं मिल रहा। ये पिज्जा साथ मंगवा लिया था और साथ में ये विंग्स है। चलो जाओ जल्दी भाग जाओ। चलो शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी ले जाओ ले जाओ जल्दी। ऐसे काम करवाती है मुझसे जैसे मुलाजिम हूँ मैं इनकी। वो हांडी चेक करके आओ या वो हांडी चेक करके आओ, हद है। फिर कहते हैं कोई काम नहीं करती। हाँ जी आ गई हूँ मैं, खाना हुआ तैयार के नहीं? तुम हमारे सर पे सवारी रहती हो। हाँ लगा दिए तुम लोगों ने, दो चार चीजें बनानी थी। घंटा तो नहीं लगाया हमने, 3 घंटे लगाए। क्या तुम आई जा रही हो, पहले मुझे ये बताओ तुमने क्या किया है। क्या मतलब तुमने क्या किया है, तुम्हारे ख्याल से ये कोई काम नहीं कर रही मैं? ये सब कुछ वीडियो बना रही है, इतना मुश्किल काम सब कुछ मैनेज करवाना, मैनेजमेंट भी कोई काम होती है। क्या मैनेज करवाया तुमने? सब कुछ रखवाना तुम लोगों से खाना बनवाना, फिर आके देखना किसने बनाया है किसने नहीं, और बाद में फिर खाना चेक करना, ये काम नहीं है यार? दुनिया में सबसे बड़ा काम ही ये, और क्या। ये लो ये रख के आओ, ये स्टीम रेडी हो गया था। ये जल फ्रेजी है और ये मटन भी रेडी हो गया है। ये लो ये भी रखाओ ध्यान से, ले जाओ ले जाओ। इतना काम करवाती है ना ये मुझसे। ये लो चावलों वाला चमचा, कैप उठाओ उसका, ढक्कन उठाओ, सब ट्राई देना। चलो ले जाओ, ये लो ये भी रख दो। सारा कुछ घर बनाया था, लेकिन ये जो सैलड है ना ये फिर बाजार से मंगवा लिया। नहीं जी जी जेली मैंने बनाई है। हाँ जेली इसने बना के रखी हुई है, जब भी सैलड बाहर से मंगाओ ऊपर जेली लगा देती है। काम चेक करो, डेकोरेशन भी ना बंदा करे अब। इतना खाना घर बनाओ तो फिर इतना तो बाहर से बनता ही है, एक दो चीज बंदा बाहर से मंगा लिया। अगर पता हो ना गेस्ट ने आना है तो फिर बंदा एक दिन पहले ज्यादा तैयारी कर लेता, लेकिन अभी ये अचानक आया तो फिर बाजार से मंगवा लिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी ये भी अंदर रखाते हैं। फिर रायता नहीं ना रखा तुम लोगों ने, मैं ना बताऊं तो तुम लोगों को याद आना ही नहीं था। तो आज हमारे घर गेस्ट आए थे, वो थे मामू की फैमिली आई थी, तो उनको खाना खुना खाया, वो रात में रुके चले गए। तो उसके बाद फिर मैंने रात को अपना ये वही गरीबों वाला खाना। क्या गरीबों वाला, तुम्हारे बंदूक रखी थी किसी ने? अब मैं वो खाना नहीं खा रही फिलहाल, अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने ये दाल बना ली थी सूप वाली और साथ में ये सैलड थी। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे नए व्लॉग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और हम अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।